ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पच्छाद उपचुनाव जीतना कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन दयाल प्यारी ने मानो दोनों राजनीतिक दलों के नाक में दम कर दिया है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांग्रेस के हक में बता रहे हैं, लेकिन वही भाजपा इस बात को सिरे से नकार रही है और उनका मानना है कि यहां से भाजपा ही विजय हासिल करेगी और कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। पच्छाद उपचुनाव जीतना कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन दयाल प्यारी ने मानो दोनों राजनीतिक दलों के नाक में दम कर दिया है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांग्रेस के हक में बता रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा इस बात को सिरे से नकार रही है और उनका मानना है कि यहां से भाजपा ही विजय हासिल करेगी और कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बारे में पूछा गया तो वे बिगड़े स्वास्थ्य की वजह से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे, तो क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि लाभ हानि के बजाय ये महत्वपूर्ण है कि उनका जल्द स्वास्थ्य लाभ हो, लेकिन साथ में ये भी शालीनता से कह गए कि किसी के चुनाव प्रचार पर आने या न आने से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी जीत का कारण है। लेकिन जब दयाल प्यारी और भाजपा की जीत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया और कहा कि पच्छाद की सीट उनके पास थी और उनके पास ही रहेगी। फायदा उठाने की बात नहीं, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें, ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि किसी के आने से बहुत बड़ा फर्क इस चुनाव में पड़ने वाला नहीं था। उपचुनाव है और उपचुनाव में लोगों का सहयोग और समर्थन जो है वो हमारे साथ में है, अच्छी तरह से दिखा। उपचुनाव में सबसे अहम पच्छाद उपचुनाव माना जा रहा है, एक तरफ सरकार एक तरफ दयाल प्यारी, तो इस बारे में क्या सरकार जीत पाएगी या दयाल प्यारी जीतेगी? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये सीट हमारे पास थी, हमारे पास रहेगी। दयाल प्यारी को लेकर मुख्यमंत्री से इस बयान को राजनीतिक विशेषज्ञ क्या अंदाजा लगाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त दिखे कि पच्छाद में भाजपा ही विजय हासिल करेगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टू टेक के साथ। नमस्कार।